ओर जहां प्रदेश के मुखिया सहित पूरा प्रदेश अन्न उत्सव मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गांव के निवास करने वाले गरीब आदिवासी को बीते 3 माह से राशन नहीं मिला। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुदूर अंचलों की ग्राम पंचायतों में संचालित होने वाली राशन दुकानों की, जहां 3 माह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और अब गरीब आदिवासी दाने दाने को मोहताज है। मामला है उमरिया जिले के करकेली ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिंहपुर के मिनेरी, जहां जनवरी 2022 से मार्च 2022 का करीब 100 क्विंटल राशन सेल्समैन और प्रबंधक ने मिलकर डकार लिया। वहीं लगातार 3 महीने से गरीब आदिवासी राशन दुकान आते तो रहे, लेकिन लगातार 3 महीने तक राशन नहीं मिला, जिस बात की शिकायत अब जाके पंचायत के सरपंच सहित ग्रामीणों ने कलेक्टर से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। गल्ला लेने आए हैं, मिलेगा गल्ला? नहीं मिला। कहे हम तो पर्ची लाए बैठे गल्ला का, 3 महीना तबाही हो रहे हैं। 3 महीने पर्ची लाए मतलब? हाँ, गल्ला लेने आए तो कहीं की पर्ची काट के धर लो, याद हम देंगे गल्ला तुम्हें। पैसा 2 महीने का दे हैं गल्ला। पैसा जमा कर दे? हाँ। गल्ला नहीं मिला? नहीं मिला। कै महीने से नहीं मिला? 3 महीने 4 महीने से याद काट पर्ची जैसे तो नहीं दिया। 4 महीना 2 महीना का पैसा नहीं दिया है, 2 महीना का पर्ची कहा धर लो। कौन बोला है? कोटेदार बोला। कहाँ है कोटेदार? कोटेदार भाग गया घर में है। नहीं खुला? हाँ हाँ नहीं खुला। कोटा खोला है, बैठे हैं और गल्ले नहीं देता। कितने सवेरे से बैठे हैं? हम तो 8 बजे बैठे हैं। हाँ कलो आ रहा? हाँ कलो आ रहा हूँ। कई दिन से आ रहा है कोटा नहीं खुला? कोटा हम यहाँ 3 दिन से यहाँ रोज आते हैं। हाँ रोज आए थे, जब से कोटा खोला लुका चोरी से दे रही से 2-4 जन को देख के भगा देते, जैसे जनता आओ तैसे अपना भाग देते। राशन के इन थपले को लेकर जब सेल्समैन से बात की गई तो उन्होंने ग्रामीणों को झूठा साबित करते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया और कुछ भी बोलने से बचते रहे। हालांकि राशन की कालाबाजारी को लेकर कलेक्टर ने जांच की बात कही है। सिंहपुर सरपंच ने और एक दो अन्य व्यक्तियों ने शिकायत की है कि कमल भान सिंह वहाँ पे है, कमल सिंह कोठेदार है और उसके द्वारा ये बनेरी में दुकान लगती है, इसने 2 महीने से अनाज नहीं दिया है, ये गंभीर बात है और इसके लिए मैंने निर्देशित किया है कि स्पॉट पर जाके हमारे खाद्य विभाग वहाँ जांच करे, यदि ये सत्य पाया जाता है तो कोटेदार पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि राशन की कालाबाजारी करने वाले राशन दुकानों पर क्या कार्रवाई की जाती है, या फिर गरीब लोग अपने हकों के लिए ऐसे ही दर बदर भटकते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।